यार कैड़ा ही काम हो गया यहाँ पर तो। ट्रेन लगी तो नहीं ना? हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो या फिर व्लॉग। तो आप कुछ भी समझ सकते हो, वो आपकी चॉइस है। सो गाइज, आज मुझे जाना है मार्केट शॉपिंग करने के लिए। सो आप लोगों ने थंबनेल एंड टाइटल देख ही लिया होगा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो मैं इसके अंदर है ना, आपको ना 2 या 3 डेज के मैं साथ में एक व्लॉग डालूंगी अपना एंगेजमेंट शॉपिंग में कहाँ से कर रही हूँ एंड क्या क्या मैं शॉपिंग कर रही हूँ। सो वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि ना मैं छोटी छोटी व्लॉग बनाऊँ और आपको दिखाऊँ कि मैं कहाँ कहाँ से शॉपिंग कर रही हूँ, जिससे आपको भी हेल्प हो जाए। सो भाई, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है, यू नो दैट कि अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल में से मतलब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, अच्छी खासी धूप निकलने लग गई है। सो भाई, तो बाजार जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो अपनी स्किन का भी तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं अपनी फेवरेट सनस्क्रीन लगा रही हूँ, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन समर, तो आपको बिल्कुल इसको अवॉइड नहीं करना है, इसको लगाना है। जो भी आपका फेवरेट सनस्क्रीन है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, बट मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया कि मैं वाओ की सनस्क्रीन लगा रही हूँ एंड ये मुझे बहुत अच्छी है। मैट फिनिश में है और ये SPF 55++++ है। सो ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए। सो बहुत लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि यार कोई अच्छी सनस्क्रीन बता दो, तो मैं आपको ये वाली प्रेफर करूंगी। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ यार, तो मैं जल्दी जल्दी सनस्क्रीन लगाती हूँ और फिर यहाँ से निकलती हूँ। और जो भी मैं शूट करूंगी वो मैं आपको बताती रहूंगी कि मैं कहाँ क्या ले रही हूँ। अपने यहाँ पर ही आबूलाइन सदर में मैं जाऊंगी। सो कई जगह मुझे ऑडियो लगानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी जगह पर है ना शूट करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता एंड साथ में बोलना तो इम्पॉसिबल है। तो मैं ना साथ में मैं ये सोचूंगी कि बस शूट हो जाए आउटफिट का, जो भी मैं ले रही हूँ, यहाँ पे जा भी जा रही हूँ, तो मैं वहाँ पर फिर साथ में ऑडियो लगा दूंगी। तो प्लीज आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अब है ना कहीं भी अलाउ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना लिप ग्लॉस लगा रही हूँ, डोटेंट की का, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो आई एम रेडी एंड अब चलते हैं बाजार में, देखते हैं कि क्या क्या कलेक्शन आ रहा है एंड मुझे क्या क्या चाहिए। वैसे तो आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब हवाएं चल रही है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शॉपिंग करने में। सो जो मेरा आउटफिट है, फाइनल आउटफिट है, वो मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी हूँ। हाँ, बट उस टाइम पर मैंने कुछ क्लिप्स ली थी कि मैंने क्या क्या आउटफिट मतलब देखे थे कि कौन सा लेना चाहिए, वो मैं आपके साथ ना शेयर कर दूंगी। चलो फिर चलते हैं। नहीं तो सही रहा है ये ना, एक्चुअली ऐसा ये वाला हाथ लगा वो तो मेरा सुपर को साफ करो, यहां पर काम का टाइम है, बोल रही हां लगा दी बेटा। चलो तो यहाँ पर कलेक्शन ठीक ठाक था, बट ये मुझे ब्लू वाला आउटफिट बिल्कुल भी पसंद नहीं था एंड एक मुझे पिंक कलर का पसंद आया, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर शूट करना बिल्कुल मना था, बट मैंने जब भी चोरी छुपके से क्लिप ले ली थोड़ा बोल बाल के, सो कलेक्शन ठीक ठाक था, मतलब इतना अच्छा कुछ खास नहीं। मैं चाहिए मम्मी ऐसे भी है भी दुपार, दुपार। अरे अरे लगी तो नहीं है क्या? लग गई अंकल को। भैया स्कूटी उठवा दो, स्कूटी उठवा दो आप। अरे एक ना दिख रहा है आंटी, थोड़ा पार्टी वेयर चाहिए मुझे। साइज किसका? मेरा साइज। उन्हीं की शॉप है मम्मी। यार कैड़ा ही काम हो गया यहाँ पर तो। मैंने आराम से खड़ी कर दी यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पर ना पार्किंग की प्रॉब्लम है। अबे क्या हो रहा है, लग रहा है उन्होंने पी तो नहीं रखी। शेट यार, फिर से हो गया एक्सीडेंट। मैं पहले क्या
भैया मुझे थोड़ा सा हैवी में दिखा दो, जैसे ये वाला फर्स्ट वाला है ना पिंक कलर में, कुछ इस टाइम में दिखा दो। परफेक्ट मिलेगी आपके कॉलेज में, चंगे इस साइड में थोड़ा हैवी लुक ले मैम। मैं निकल तो पैटर्न्स में ये सब चलता है, अगर उस शेप में ना फिर थोड़ा सा रेंज प्लस आ जाता है। प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग फिटिंग होगा, सब स्टैंडर्ड साइजेस हैं, शोल्डर कटिंग स्ट्रेट शरारा बोलेंगे, स्ट्रेट शरारा से मेरे काम। आजकल जो कॉटन पे गोटा पट्टी आ रहा है वो कुछ है आपके पास? वो ऑनलाइन ही सब कुछ मिल रहा है, उनकी क्वालिटीज होती है ना। नहीं एक्चुअली मैंने आजियो से मंगाया था, दैट की ब्रांड आजियो ब्रांड आजियो पे भी ठीक है, लेकिन स्टिल वो चीज वो क्वालिटी नहीं आएगी। आप कुछ समझ आ रहा है जो मेरे खुद बनाया हुआ है? मुझे पता है, मैं मोर देन 20 इयर्स से इस लाइन में, तो मुझे भी ये सब नॉलेज है। मैं पिंक कलर में क्या आएगा कुछ ली स्ट्रेट शरारा बोलेंगे, स्ट्रेट सिल्क में भी शरारा है। क्या मिल जाएगा शरारा? शरारा हाँ, शरारे में इनसे हैवी आएगा। इसका प्राइस क्या है? 34 का, 34-50 की रेंज में है। मुझे ना कुछ शरारा पता है मम्मी, ऑनलाइन शॉपिंग करते करते है ना हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कुछ भी शॉपिंग ना करो ऑफलाइन। क्यों बेटा एक 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 हाथ रख यहाँ पे, ये वाला पीस देखा था। और मेरा तो पता नहीं क्यों भैया यही मन करता है आने का, सच बताऊं। मम्मी कह तो रही थी अभी की घूम फिर के तो फेरी तेरी याद आती है, मैं क्या करूं यार। हाँ ये दिखा देना, ये बहुत अच्छा है, ये ब्रांडेड है, ओरिजिनल है। इसमें कलर अवेलेबल है? हाँ है ना, दिखाना एक बार। मम्मी कैसा लगा आपको? मुझे और भी वैरायटी दिखाओ। आपको लेते रेड रेड कलर मम्मी, वो दूसरा भी रेड हो गया मेरा। और देखो ये बहुत अच्छा है, मतलब सबसे बेस्ट दे रहा हूँ आपको, आप ऐसा समझो सुपर बेस्ट आइटम है ये, कहीं से कहीं तक किसी कैलकुलेशन की नीड नहीं है इसमें, हर तरीके से प्यारा बेटा। वाइन वाला ये 4000 का है, ये देखो ये भी अपने आप में एक बहुत ही स्मार्ट ड्रेस देता है पहन के। सब ड्रेसेस पहन के ना छोटे छोटे ब्लॉक्स ले लेना अपने के, मैंने ये ट्राई करा ये भैया ये वाला नहीं। अरे ये पहन के अच्छा लगता है, ये तो बात है, ट्राई करो फिर पता लगेगा। इसके वो टील वाला जो है ब्लू, ये अपने आप में एक बहुत डिफाइंड पीस। अरे ये ऊपर का बहुत चमक चिक है, लग रहा है आपको ऐसा, लेकिन लगेगा बड़ा किला। लोग आता है ना देखो इन चीजों का पहन के, लोग आता है लोग मना मत किया करो। नहीं, हम तो मना, मम्मी बोली एक चीज देख ले अब, या तो वीडियो बना ले या फिर ये कर ले। नहीं मैं दिखा देंगे वो टीवी पे, नहीं मैं सबको देखती रहती हूँ हर चीज। इसका ब्रांड क्या है भैया? ये होगा मेरे घर 4 के नियर अबाउट आया शायद, ये प्योर गज्जी है लेकिन ओरिजिनल सिल्क है ये, इसके दो पैटर्न। बट ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है इसमें? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ना ओल्ड फैशन सा क्यों लग रहा है मुझे, डिसेंट है ये। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ये ना भैया
दिखाओ फोटो दिखाओ प्रियांशी लगी थी इसका पर्पल इसको थोड़ा टाइट करो बड़ी स्वीट लगी पहन के देखो फोटो हाँ मतलब अभी दिखाता हूँ मुझे इतना भी मैच्योर नहीं होना भैया पार्ट कैप्चर किया था और उसी पे टिनक के पड़ गया एकदम से मेरे ऊपर मेगा की दुकानदार नहीं था एक रिक्शा वाला था ये क्या है वो पिंक वाला ना अच्छा बहुत लग रहा है बट है ना मेरे से हाँ मैं बहुत ज्यादा मैच्योर लग रही हूँ लुक वाइज बहुत सुंदर लग रहा है अच्छा तो ये भी लग रहा है इसमें कलर भी है पर्पल कलर नहीं है ना अभी मेरे पास अच्छा तो लग रहा है सब मुझे ना गिफ्ट कर दो यार तुम लोग सेव कर लो भाई भैया आप लोग पांच छह मेंबर हो सब मुझे एक सूट गिफ्ट कर दो मेरा पूरा कलेक्शन पूरा हो जाए ये सारे मेरे पैक कर दो गिफ्ट कर दो मुझे शाम को आओगी शाम को पक्का आप मुझे दे जाओगे ठीक है अचार वाली चटनी पैक कराना सो गाइज मैं घर पर आ गई थी एंड मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया क्योंकि मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब था मार्केट में बहुत गंदा सीन क्रिएट हो गया था तो मैं मानती हूँ अंकल की पूरी गलती थी बट किसी को भी हक नहीं है किसी को मारने का प्यार से समझा सकते थे बट क्या ही कर सकते हो बीच में तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते फिर बोलेंगे यार तुम कौन होते हो देन मैंने बहुत सारी शॉप एक्सप्लोर करी मैंने सिर्फ सदर मार्केट एक्सप्लोर करी बट यार मुझे कुछ भी मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं मिला कहीं पर तो कैमरा भी अलाउ नहीं था कि प्लीज मैम कैमरा ऑन मत करो मैंने कहा यार कुछ डिजाइनर तो है नहीं कि मैं कुछ शूट कर लूंगी तो मैंने कहा कि ठीक है फिर मैंने ज्यादा जिद भी नहीं करी देन मैं अपनी फेवरेट शॉप पे गई जहां मैं मोस्टली जाती हूँ बट कलेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है वहां पर मैंने बहुत सारी साड़ियां ली एंड मैंने कुछ आउटफिट भी देखे तो अभी मैंने उनमें से कुछ नहीं लिया आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा अच्छा लगा मैंने वहां पर रखवा दिया तो कह रहे आप जब आओगे जब आपको मिल जाएगा मैं कहा ठीक है सो ये पार्ट वन है अगर मुझे इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं पार्ट टू भी लेके आऊंगी अभी तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना अभी के लिए बाय।